उठो। देख रही हूँ क्या दीदी, अंकल जी का फोन आया था, बताया कि आपके लिए एक एक्टिंग टीचर रखा है। कब आ रहे हैं यार? अभी एक घंटे में आ जाएंगे दीदी, उठ जाओ, रेडी होना है। ठीक है, उठती हूँ, ब्लैक कॉफी रेडी कर मेरा। ठीक है। आइए, अब बैठिए, मैं दीदी को बुलाती हूँ। दीदी, यो मैन, व्हाट्स अप, हाउ आर यू? नमस्ते, मेरा नाम श्रीधर शुक्ला है। श्रीधर, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव? ब्लैक कॉफी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, मैचा? Come on, don't be so formal, Sridhar. You'll have to have something. कुछ तो लेना पड़ेगा। तो एक normal चाय? सरिता, एक normal चाय लाना and my black coffee. तो शुरू करें? So can I please request something? Can we please do this tomorrow post lunch? I have a major hangover and a headache. And you know, I have to go for this event, socializing to get work. You know how it works. So please, sir, kal se kare. ठीक है। And so please, please, dad को कुछ मत बताना। Dad को नहीं पता चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत कीजिए। Okay, cool. So please, आ जाइए। शुक्रिया। आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिएगा एक बार। कल से शुरू करते हैं। सरिता, स्क्रिप्ट ले लेना। ये मेरा अधिकार है? नहीं है कि मैं उनसे ऐसी बात करूं। कि मैं उनसे ऐसी बात करूं? हाँ, अब इसका मतलब समझ के बोलिए आप। चलिए बात कीजिए इससे। दिखाइए, दिखाइए। ये बिना बताए आपको चली गई थी। आराम से बोलिए। देवराज जी कुड़ी गी में ओदे सोरी छोड़ी ते आया। छोड़ी ते आया। हाँ, यू आर सरप्राइज्ड, यू आर शॉक्ड, यू आर सैड। फिर से बोलिए, फिर से। एक तो जोर से बोलिए, थोड़ा प्रोजेक्ट कीजिए, ऊंचा बोलिए, और डोंट मूव। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? फिर से ट्राई कीजिए, फिर से। पर अंदरो अंदरी दुख दुखी जान लगी। ट्राई ट्राई। सरिता, एक चाय ले आओ, चाय। ये मेरा अधिकार है? नहीं है। वापस वहां से खड़े हो क्या? ये जाइए, फिर से। जान लगी जन। हाँ हाँ। अंग अंग। क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनसे ऐसी बात करूं। इतना सिंपल है ये। बोली सोहरे छोड़ी तो ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं तो आया। ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं उनसे। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, ट्राई ट्राई। ये जानते हो ना बाबू, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। मेरा अधिकार नहीं है कि मैं। ठीक था। नमस्ते, कैसी हो? हेलो सर, कम जॉइन मी फॉर ब्रेकफास्ट। सरिता, सर का नाश्ता लाना। मेट विद दिस सुपर डायरेक्टर लास्ट नाइट एंड हिज फिल्म इज गोइंग ऑन फ्लोर इन द नेक्स्ट 6 months। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे पास भी तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मिस्टर दत्ता अपनी अगली फिल्म के लिए एक नया फेस ढूंढ रहे हैं, अपने बेटे के ऑपोजिट। उसको भी मैं ही सिखाता हूँ।
तो मैंने तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है। Nice. उनकी टीम से लोग आएंगे तुम्हारा ऑडिशन करने। तो ये स्क्रिप्ट है। ओके। ये पार्ट प्रिपेयर कर लेना। ये ठीक है सरिता, याद दिलवा देना प्लीज। So cool. I am so excited. I am going to be prepared for tomorrow. सरिता, मेरे जो लंदन से शूज आए थे उनको जल्दी रेडी करो। क्या लेट? दीदी, दीदी, एक बात कहूं, आप ना आज पार्टी में मत जाओ। कल आपका इतना बड़ा ऑडिशन है, क्यों जा रहे हो पार्टी में? सरिता, आज जहां मैं जा रही हूं ना, क्लास वो है गेम। वहां आएंगे टॉप के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, सुपरस्टार, वहां आएंगे। ऑडिशन इज ऑल बुलशिट यार, सब कॉन्टैक्ट्स का गेम है बेबी। कैसी हो सरिता? ठीक हूँ सैफ। दीदी को रेडी करो जल्दी, वो लोग आने वाले हैं। सर, दीदी तो घर पे नहीं है, वो कल एक पार्टी में गई थी, अभी तक आई नहीं है। क्या? अरे उनको पता था ना आज ऑडिशन है, वो आई नहीं है, कहाँ है वो? आप बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ और उनको फोन भी कर देती हूँ। क्या हुआ, दीदी से बात हुई? सर, दीदी का फोन तो बंद आ रहा है। फोन बंद है? अरे कमाल है, वो लोग आने ही वाले हैं, मैं क्या बोलूंगा, इस लड़की ने तो फंसा दिया मुझे। सर, आपको ठीक लगे तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। तुम ट्राई करना चाहते हो? तुमको ये सब बच्चों का खेल लगता है क्या? तुम कैसे करोगी? मैं क्यों मैंने इनसे प्रॉमिस कर लिया? सर, एक मौका तो दे दीजिए, मैं निराश नहीं करूंगी पक्का। रेडी, एक्टर रेडी, स्टार्ट। अरे सर, क्यों समय खराब हो रहे हैं? उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वेट कीजिए सर, सब होगा। रेडी, थ्री टू वन स्टार्ट। जिंदगी में हर किसी के पास एक लम्हा आता है जब हर चीज आपके खिलाफ लगने लगती है। मेरी जिंदगी में भी एक ऐसा वक्त आया था, बहुत परेशानियां थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, पर फिर मैं समझ गई, अगर जिंदगी आपका रास्ता रोक रही है ना,
मुझे तो पूरा यकीन है कि हम सब में कुछ ना कुछ खास तो है ही, बस अपने अंदर उस चमक को देखने की जरूरत है। कोई भी मुश्किल हो, हम में वो ताकत है कि हम हमारे अंदर की ताकत को जगाकर उसको पार कर सकते हैं। तो उठो, उठो और अपने अंदर की ताकत को जगाओ। कोई भी मुश्किल हो, कोई मौका दे ना दे, बस खुद अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ो। क्योंकि जिस दिन तुम अपने आप को जीतने वाले के रूप में देखोगे ना, उस दिन दुनिया तुम्हें सुपरस्टार कहने लगेगी। परफेक्ट, लॉक दिस गर्ल, दिस इज माय नेक्स्ट सुपरस्टार। सरिता स्क्रिप्ट ले लेना। सरिता याद दिलवा देना प्लीज। ऑडिशन ऑडिशन इज ऑल बुलशिट क्या? सब कॉन्टैक्ट्स का गेम है बेबी। कांग्रेचुलेशंस। शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे फक्र है तुम पे।